आज जी कैसे हैं आप दोस्तों। मैं शिव पुराण का दूसरा अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको जरूर कल्याण की प्राप्ति होगी। इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और आपको ज्ञान प्राप्त होगा और जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का बोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापी की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे तर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्धि वाला हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री श्याम सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णता चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त था। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। या मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूजी कहते हैं, शौनक,
इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्त हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदंतर बिंदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली, चंचुला ने कहा, ब्रह्मा शिव भक्तों ने श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग हैं। साधो मैं नरक के समुद्र में गिर पड़ रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूर्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहाँ रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाली उन ब्राह्मण देव से उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गढ़ों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे, वह दिव्य रूप धारणी दीवाना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए हुआ गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंगकांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट
शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बैठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत वसम से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शौक से संपन्न हो अचट सुख का अनुभव करने लगे। बोलो श्री भगवान की जय। जय भोलेनाथ की। धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको आगे की कथा बहुत ही सुंदर तरीके से सुना सकूँ।